हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक नया नोटिस जारी किया गया है जो कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के द्वारा दिनांक 29 मई 2019 को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो आपका कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री के अंतर्गत जो आने वाली विषय के संबंध में एक स्पष्टीकरण दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें संदर्भ का एक परिपत्र क्रमांक दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र 18 अगस्त 2015 द्वारा सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर तथा इसके समकक्ष पदों की सीधी भर्ती हेतु मान्यता प्राप्त संस्था में से किसी भी एक संस्था का एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर उच्च डिग्री की, जिसमें बीएससी, जैसे आईटी से या फिर सीएस से अगर आपने किया हुआ है तो उसकी उपाधि आपकी मान्य की गई है। तथा शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बीएससी, आईटी तथा सीएस के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है, अपितु केवल बीएससी की उपाधि प्रदान की जाती है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बीएससी उपाधि धारक बीएससी की परीक्षा आईटी कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो इस आधार पर आईटी या कंप्यूटर साइंस के विषय प्रमाणित होने पर बीएससी आईटी सीएस के समकक्ष मान्य किया जाएगा। अगर आपने एक विषय कंप्यूटर सीएस आईटी से भी पास किया है बीएससी में तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। इस टाइप से आपका ये नोटिस प्रकाशित हुआ है जो कि आप साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपने भी बीएससी किया हुआ है, जो कि आपने आईटी या फिर सीएस आपका अगर एक सब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्ट ये लेकर आपने पास किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए।